हम ठेला चला के जी लेंगे भैया, ये मोटर नहीं चलाएंगे। अपना अपना मोटर अपना अपना मालिक रखे। ड्राइवर मरता है तो कोई कफन देता है क्या? कोई सुनता है? आज तक सुना है? कोई नहीं सुना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल वापस ले, नहीं तो गाड़ी अपना अपना खड्डे में डाल दे। ड्राइवरी नहीं करना अपने को, ठेला चला करके हम अपन जी लेंगे। घर में जाते हैं तो बाल बच्चा सवाल करता है, पापा ये दीजिए वो दीजिए। बच्चा सबको मानता है, हम लोग बड़ा बुजुर्ग मान लेते, एक दिन भूखा भी रह जाएंगे, बच्चा भूखा रहेगा। इस ड्राइवर को अभी सर 1000 रुपया वेतन मिलता है। अगर कहीं खुदा न करता हो ना, उसे भगवान ने करे हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, 7 लाख ये कहाँ से भरेगा? नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमित राज। आप लोगों को पता होगा कि नया MV एक्ट आया है, जिसमें हिट एंड रन का मामला होने पे ड्राइवर, चाहे ड्राइवर कोई भी हो, दोपहिया वाहन के ड्राइवर हो, ट्रक के हो या बस के, सभी के लिए काफी कड़ा प्रावधान कर दिया गया है। तो उसका असर दिखना चालू हो गया। अभी हम भागलपुर के बस स्टैंड में हैं, आपको दिखाते हैं। बस स्टैंड जो हमेशा भरा रहता था पूरा, यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती थी, पूरा आपको खाली दिख रहा होगा बस स्टैंड। आपको बता दे, अभी तक का जो नियम था उसमें अधिकतम सजा 2 साल की सजा थी, लेकिन अब जो सजा हो गया हिट एंड रन का, उसमें अगर आप कहीं एक्सीडेंट होता है, हिट करके भागते हैं, तो 10 साल की सजा है, साथ ही 7 लाख का जुर्माना भी हो गया है। तो नया MV एक्ट जो आया हिट एंड रन का, उसमें काफी जुर्माना सजा। यहाँ देखिए कि बस लगी हुई है, बस पटना जाती थी, इसके ड्राइवर हमारे साथ है, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या हुआ, बस नहीं खोले आज, क्या बात है? नहीं सर, कल से बंद है बस। क्यों बंद कर दिया? बंद है, इतना जुर्म सजा कानून बदल गया है, इसके कारण हम लोग बंद किए हुए हैं गाड़ी। ये तो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि आप लापरवाही से नहीं चलाएं, इसलिए नियम बनाया ना, तो इसमें बंद क्यों कर दिए? बंद कर दिए, इतना जुर्माना कहाँ से दे पाएंगे सर? 7 लाख रुपया है, 10 साल सजा है। तो जुर्माना कब है, जब आप एक्सीडेंट करके भागिएगा? भागिए नहीं, वही रहिए। भागेंगे नहीं रहेंगे तो पब्लिक को एक्सीडेंट वाला का नहीं देखता है, पहले पब्लिक देखता है कि ड्राइवर को पकड़ के लाते मुँह हर देता है, मौत भी हो सकता है, इस चलते ड्राइवर भाग जाता है गाड़ी छोड़ के। लेकिन इसके पहले नियम नहीं था कड़ा, तो ड्राइवर ऐसे बेतहाशा गाड़ी चलाता था कभी कभी जो है, तो अब तो सुरक्षा से चलाया गाड़ी ना, ये तो सबके लिए अच्छा बात है ना? हाँ ये तो बात है सर, नियम तो बना है, तो इतना पैसा कहाँ से देंगे? नियम बना है तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? एक ड्राइवरी करके बाल बच्चा पोसते हैं। तो ड्राइवर जो है, अगर इसके चलते पूरा बस बंद हो गया, पब्लिक लोग को रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, कैसे जाएंगे लोग, सफर कैसे करेंगे? अभी कैसे जाएंगे तो पब्लिक लोग ना सोचेंगे सर, कैसे जाएंगे, हम लोग तो मर रहे हैं। अरे तो आप लोग का भी तो खाना पीना बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा तो अपना घर चले जाएंगे, घर तो रहेंगे ना सुरक्षा। 7 लाख रुपया कहाँ से दे पाएंगे सरकार के एक्सीडेंट होने के बाद? गाड़ी क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर शर्मा नाम। कितना साल से चला रहे हैं गाड़ी? गाड़ी तो 33 वर्ष से चला रहे हैं। चंद्रशेखर शर्मा थे, 33 साल से ये गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि नियम तो सरकार ने बनाया है लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इस नियम में, ये कहा गया है कि अगर आप हिट करके भाग जाते हैं, इस नियम में कहा गया है कि अगर आप कहीं एक्सीडेंट करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल थाना है या जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको सूचना दीजिए, उसके बाद वहाँ से जाइए। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है अगर हम वहाँ रुकेंगे तो पब्लिक का मॉब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम लोगों के ऊपर जान का खतरा बन सकता है। यहाँ पे हम आ गए बस स्टैंड में, देखिए यहाँ पे लोग कर्मचारी लोग हैं, कुछ ड्राइवर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप भी ड्राइवरी करते हैं? हाँ ड्राइवर हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर झा। कितने साल चला रहे हैं? हमको चलाते हुए हो गया कम से कम 29 साल। तो आज क्या ऐसा स्थिति आया कि आप लोग आज गाड़ी नहीं खोले हैं, क्या दिक्कत आ गया? अब वो कौन 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया जुर्माना देगा, 10 साल जेल भुगतेगा, बताइए कैसे गाड़ी चलेगा? ये सरकार ये कौन सा प्रावधान निकाला है, ये कोई प्रावधान है? यदि गाड़ी हम रोकते हैं, बोलता है हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, उसके पहले तो पब्लिक ही मार देगा। न टोटो वाला मानता है, न ठेला वाला मानता है, न रिक्शा वाला मानता है, न मतलब मोटरसाइकिल वाला मानता है, बेवजह के ड्राइवरों को फंसाया जा रहा है। हम ठेला चला के जी लेंगे भैया, ये मोटर नहीं चलाएंगे। अपना मोटर अपना अपना मालिक रखे। ड्राइवर मरता है तो कोई कफन देता है क्या? कोई सुनता है? आज तक सुना है? कोई नहीं सुना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल वापस ले, नहीं तो गाड़ी अपना अपना खड्डे में डाल दे। ड्राइवरी नहीं करना अपने को, ठेला चला करके हम अपन जी लेंगे, ड्राइवरी नहीं करना।
लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, ट्रक नहीं चलेगी तो देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? अब देश का हम जिम्मेवारी हैं, हमारा अपना बच्चा तो पला नहीं आज तक है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार सोचेगी, सरकार बोलेगी। ये सरकार का निर्णय होना चाहिए कि ये जो हम फैसला दिए, ये फैसला हमारा गलत है। ये सरकार भी अपना सोचे कि ड्राइवर सब का जान, 100 आदमी का जान लेके गाड़ी में चलता है, फिर भी ड्राइवर के ऊपर इतना अन्याय और इतना ये दिया गया है प्रस्ताव, जो ये गलत दिया गया है। आप क्या, आप यहाँ पे कर्मचारी जी? हम लोग यहाँ स्टैंड का स्टाफ है, हम लोग यहाँ गाड़ी बुक करते हैं। जी, तो जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आप लोग का विरोध होती क्या करेंगे सर? हम लोग के लिए ड्राइवर है तब ना हम लोग हैं। हम लोग ड्राइवर के ही ऊपर 100 आदमी को, किसी भी के भी माँ बहन घर से आती जाती, कोई भी आता जाता है तो ड्राइवर के भरोसे ही हम लोग यहाँ से उसको भेजते हैं। तो जब तक ड्राइवर खुश नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? ड्राइवर ही तो हम लोग का भगवान है। 100 आदमी को लेके जाता है तो ड्राइवर ही भगवान है, और उसी को आज सब चीज खराब कर दिया गया है। ये जो प्रस्ताव लिया है सरकार, ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। हम लोग इतना मजदूर है, हम लोग तो भूखे ना मर जाएंगे। गाड़ी आता हम लोग को यहाँ 50 आदमी कम से कम, हम लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, ठेला वाला है, यहाँ का लेबर मजदूर है, सब उतारते हैं, हम लोग कमाते हैं। अगर गाड़ी ना आएगा तो हम लोग क्या कमाएंगे? हम लोग तो कम से कम 150 आदमी भूखा मर जाएंगे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग कैसे सर? अगर इस भागलपुर बस स्टैंड की बात कर ले यहाँ पे, तो कितने लोगों का रोजगार चलता होगा यहाँ पे? 500 कम से कम, 500 रुपया यहाँ, 500 मजदूर यहाँ का खर्चा। 500 मजदूर, ड्राइवर अलग से या ड्राइवर को मिला? अलग है सर, हम लोग मजदूर का बात किए, कम से कम यहाँ 300-400 खाली ठेला वाला मजदूर, तब यहाँ उतारने वाला हम लोग ठेला से माल पहुँचाते हैं। तो आप लोग तो डेली कमाते होंगे, डेली खाते होंगे? हाँ, तब क्या करेंगे सर? 200-300 कमाते हैं, कैसे बाल बच्चा पाल रहे हैं हम लोग, अपने कैसे हम लोग पाल रहे हैं? हमें लोग भैया इसका मजबूरी बुझ रहे हैं। कितना दिन होगी हड़ताल का? हड़ताल तो आज 4 दिन से हड़ताल है यहाँ। 4 दिन से कमा नहीं पा रहे, क्या करेंगे सर? यहाँ झूठे बैठ के घूम फिर कर जा रहे हैं, यहाँ घर में भी मन नहीं लगता है, क्या करेंगे? घर जाएंगे तो घर में जाते हैं तो बाल बच्चा सवाल करता है, पापा ये दीजिए वो दीजिए, बच्चा सबको मानता है, हम लोग बड़ा बुजुर्ग मान लेते, एक दिन भूखा भी रह जाएंगे, बच्चा भूखा रहेगा तो कैसे, क्या करिएगा? क्या करेंगे सर? हम लोग यहाँ इसी वजह से हड़ताल है यहाँ। हम लोग सरकार से कोई मांग करें? हाँ तो सरकार से मांग नहीं करेंगे। इस ड्राइवर को अभी सर 1000 टका वेतन मिलता है, अगर कहीं खुदा न खर्चा हो ना हो, सब भगवान ने करे हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा 7 लाख ही कहाँ से भरेगा? क्या इसका सरकारी जॉब सरकार हम लोग को लगा दिया ड्राइवर साहब का? क्या यहाँ नहीं है ना? हाँ उसका बात है, सबको सरकारी नौकरी दिया जाए, 50,000 टका महीना वेतन कीजिए, जो होगा अगर उसका होगा, या खुदा न खर्चा कुछ होता है ड्राइवर को, उसका इंश्योरेंस में कुछ इंश्योरेंस किया जाए, तब भले उसमें कुछ शामिल होगा हम लोग का। तो ये जो लोगों से हम लोग बात की है कि ये लोग यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, डेली 300-400-500 रुपया कमाते हैं, अगर बस नहीं चलेगी तो 500 मजदूर ऐसे हैं जिनका काम रुक जाएगा, और काम रुका हुआ है, 4 दिन से कमा नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही बच्चे घर में परेशान कर रहे हैं रोज, लेकिन हम लोगों का कोई कमाई नहीं हो पा रहा है। इधर चलते, कुछ स्टाफ है बस स्टैंड के, इन लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। ड्राइवर साहब बोले, भैया क्या दिक्कत, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है ड्राइवर अगर बस नहीं चला रहे हैं तो? हम लोग दिक्कत, ड्राइवर नहीं चलाएगा तो हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग कंडक्टर हैं उनका। तो अभी मान लीजिए 4 दिन से नहीं चल पा रहा है, आप लोगों का कमाई बंद हो गया है, तो कैसे क्या करिएगा आगे? क्या करेंगे, भूखल मरेंगे यहाँ, भूखे मरेंगे। सरकार से कोई मांग करते हैं क्या? मांग करेंगे इसका वापस ले संविधान को, और अगर सरकार कड़ाई करे नहीं वापस लेगी तो क्या करिएगा? और निश्चित हड़ताल होगा, लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो लोग परेशान हो तो क्या करेंगे, सरकार ने इसका सोचेगा? ड्राइवर देगा 10 लाख रुपया, 10 साल जेल भोगेगा, उसका बाल बच्चा मर जाएगा, रहेगा जिंदा? कमा के खिलाफी तक 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जमा नहीं किया होगा ड्राइवर, 10 लाख कहाँ देगा एक मर्डर में? देखिए, अगर सोचा जाए, सरकार ये नियम इसलिए लाई है कि ड्राइवर लोग सुरक्षित होकर थोड़ा बढ़िया से गाड़ी चलाए। एक बात जान लीजिए, ड्राइवर कोई जाता है छुट्टी को चपा देते हैं, अब कोई आगे में आ जाएगा उसको क्या करेगा ड्राइवर? अपना जान गंवा देगा, खदान खुदा देगा, यही बात। तो सरकार तो पूरा कानून वापस अगर सोचेगी तो नहीं लेगी कुछ संशोधन, कोई आप लोग का सुझाव कुछ? नहीं लेगी तो बंद रहेगा और निश्चित हड़ताल रहेगा। पूरा का पूरा कानून बोल रहे हैं वापस ले, कुछ संशोधन कर ले? संशोधन क्या करा, ड्राइवर कुछ नहीं देगा। तो ये कर्मचारी थे यहाँ के, और इनका भी कहना है कि अगर ड्राइवर काम नहीं करेंगे तो हम लोग का काम कैसे चलेगा। और कुछ लोग हैं यहाँ पे स्टाफ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हम लोग कुछ नहीं है, ना ड्राइवर है ना कुछ है भैया। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ गाड़ी बुक करते हैं। गाड़ी बुक करते हैं तो गाड़ी चल नहीं रहा तो बुक किसको करिएगा? वही बात तो है, गाड़ी चलेगी नहीं तो हम लोग बुक क्या करेंगे? क्या करिएगा अभी तो 4 दिन से मान लीजिए बुकिंग नहीं हो रहा है तो घर कैसे चलाइएगा? बैठे हुए दूसरा धंधा ढूंढेंगे, क्या करेंगे? सरकार से कोई मांग भी करते हैं क्या?
वो तो ड्राइवर की मांग है सरकार। आप लोग धंधा बदल लीजिएगा, क्या करेंगे ड्राइवर लोग को, तो मेन काम ड्राइवरी आता है, 30-30 साल से 25 साल से लोग कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे। अब तो ड्राइवर अपना ड्राइवर ही ना बता सकता भैया, हम लोग क्या बताएंगे। तो ये बुकिंग स्टाफ थे यहाँ पे बस में जो यात्रियों को बुक करते थे, इन लोगों का भी है कि जब तक अगर बस नहीं चलेगी तो हम लोग कहाँ से फिर जो है यात्री जब आएंगे नहीं, हम लोग का काम भी मंदा हो गया। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे बात किया, ड्राइवर से बात किया, यहाँ पे जो लेबर लोग हैं उनसे बात किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो बुकिंग करते हैं उनसे बात किया, तो स्थिति काफ़ी ख़राब है। ड्राइवर लोगों में काफ़ी रोष है, उनका कहना है कि हम लोग इतना पैसा कमाए नहीं है जितना हम लोगों को भरना पड़ जाएगा। वैसे सरकार ने लोगों की सुरक्षा के लिए नियम लाया है, लेकिन ये नियम लग रहा है उल्टा पड़ गया सरकार पे, क्योंकि सरकार ने लगता है कोई तैयारी नहीं की थी इसके लिए। जैसे नोटबंदी के समय हुआ था वैसे ही पूरे देश में चक्का रुक गया है, बस रुकी हुई है, ट्रक रुकी हुई है, यात्रियों को आने जाने में असुविधा हो रही है। ट्रक की बात कर ले, माल आ जाना जाना बंद हो गया है। अब कुछ दिन में अगर ये लंबी चल गई, अगर ये हड़ताल लंबी चल गई तो बाजार में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोकल में बात करें तो सब्जियां मार्केट में आना बंद हो जाएगी कुछ देर के बाद, एक दो दिन के अंदर सब्जी मार्केट में दिखना बंद हो जाएगा, महंगाई कहाँ जाएगी कहना इसका। बहरहाल भागलपुर बस स्टैंड की हमने यहाँ तस्वीर आपको दिखाई, यात्री परेशान है यहाँ पर, कर्मचारी परेशान है, ड्राइवर परेशान है, जो लेबर मजदूर वो परेशान है, यहाँ तक कि टोटो ड्राइवर भी परेशान है। तो सरकार के ये नियम से सभी लोग परेशान हो गए। देखना है इन लोगों की हड़ताल कब तक जारी रहती है या सरकार अपने नियम में कुछ संशोधन लाती है, क्योंकि इन लोगों का मूड बहुत गर्म है अभी। तत्काल ये लोग हड़ताल वापस लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये हो कि सरकार नियम में कुछ तब्दीली लाती है या फिर ये लोग अपनी हड़ताल को कुछ बातचीत के माध्यम से वापस लेते हैं। तब तक तो लोगों की परेशानी बनी हुई है। कैमरामैन सुबोध के साथ अमित राज, भागलपुर।